दोस्तों झुंपा बन के तैयार हो चुका है, एकदम अच्छी कलाकारी में झुंपा बन के तैयार हो गया। आपको अंदर से भी दिखा देंगे झुंपे किस प्रकार है। देखो देखो, ये जो बीच में लकड़ी है उसको छल्ला कहते हैं, और ये चारों ओर जो गोल राउंड में है, ये थोड़ा झुंपा बड़ा होने की वजह से ये थोड़े कहीं कहीं से संकड़े हो गए। थोड़ा झुंपा बड़ा है इसलिए सही ढंग से नहीं लगे। फिर भी देखो बीच में ये बांस की लकड़ियां वगैरह भी दी गई है मजबूती के लिए। ये जो लकड़ियां है ये मोगड़े है ताकि इसे थोड़ा मजबूत हो जाए। बहुत ही अच्छी कलाकारी में झुंपा बना हुआ है। बहुत ही ठंडा रहता है, एकदम राजस्थानी फ्रिज कह सकते हो। एक तो राजस्थानी फ्रिज मटकी होता है, एक ये झुंपा है। इसके अंदर अगर गर्मियों में लू में भी अंदर सोते हैं तो बहुत अच्छी नींद आती है। एकदम जाली पाल ऐसे दिखाई दे रहा है, जाली नुमा। अगर बाहर पश्चिम दिशा में पानी छिड़क कर रहे हैं तो बहुत अच्छी नींद आएगी। ऐसे ऐसी ही हवा आती है, ऐसे आएगी। काफी लंबा समय लगता है स्टेप बाय स्टेप काम करने में। बहुत ही शानदार कलाकारी में झुंपा बनाने के कारीगर वो धीरे धीरे स्पीड के साथ है वो कम हो जाएंगे। वैसे उतनी कलाकारी नहीं रह पाएगी जैसे पहले पीछे राजा महाराजाओं के महल हम देखते हैं तो उनकी जो कलाकृतियाँ हैं वो वर्तमान में जो कारीगर है वो नहीं बना सकते क्योंकि वो पहले की कला थी। धीरे धीरे जैसे जैसे समय चेंज हो रहा वैसे वैसे कला भी चेंज हो जाएगी। तो ये अपना झुंपे का अंतिम चरण, इन पर ये एक तो ये चेड़ वाली सालरी है जो ऐसे डाली हुई है, फिर ऊपर से दो डाली हुई है, ऊपर जो है उसको चूंकली नाम से जाना जाता है, वो ऊपर टोपी नुमा है उसको चूंकली कहते हैं। ये झुंपे की अंतिम पर क्या है, बहुत ही सुंदर कलाकारी है झुंपे की। राजस्थानी कल्चर में बहुत ही अच्छा माना जाता है। एक होती है छान, मारवाड़ी लोग तो वैसे सब जानते हैं क्या होता है, जो अन्य राज्यों के है वहाँ कम बनाते हैं, वहाँ के लोगों के लिए चुम्बक है। इस प्रकार मैंने आपको अलग अलग पार्टों में सारे वीडियो डाले गए हैं जो झुंपा बनाने की प्रक्रिया है, सभी देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।